हेलो दोस्तों, फाइनली मीओ आई 10 ग्लोबल बीटा का नया अपडेट रोल शुरू हो चुका है। जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हो, बहुत दिनों बाद दोस्तों मीओ आई 10 का ग्लोबल बीटा रोल हो रहा है। देख सकते हो इसका वर्जन है 10.8.10.9। और दोस्तों इतना दिन से इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि चाइना में कुछ हॉलीडे चल रहा था, इसलिए हॉलीडे पर सारे डेवलपर का छुट्टी था, इसलिए हो सकता है कि अपडेट नहीं आ रहा था। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसमें ये अपडेट मैंने सक्सेसफुली कर लिया हूँ, जिसका वर्जन है मीओ आई 10.8.10.9। ये एक दोस्तों बीटा अपडेट, नाइटली अपडेट है, जो कि आपको कुछ दिन बाद यानी थर्सडे को या फ्राइडे को आपको 10.8.10.11 का अपडेट मिल जाएगा। और लगभग यही होगा अपडेट दोस्तों, यही ये जो मुझे मिला है, यही सेम अपडेट आपको भी मिलेगा। फर्स्ट फर्क रहेगा ये कि आपको ये मुझे नाइटली स्टेट में मिला है, लेकिन आपको बीटा स्टेट में मिलेगा। और इसमें कुछ चेंजेस किया गया है जो कि मैंने ढूंढा हुआ हूँ। वैसे आपको उस दिन जब अपडेट आएगा, ऑफिशियली पब्लिकली बीटा का अपडेट आएगा, तो उस दिन मैं आपको सारा फीचर बता दूंगा इसमें क्या नया है। वैसे मैं एक्साइटेड था कि इसमें कुछ बहुत दिन बाद आया है तो कुछ तो मिलेगा ही, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ भी खास चीज़ नहीं दिया गया है। ओनली यहाँ पर सिक्योरिटी पैच अपडेट कर दिया गया है। वैसे वो डेवलपर भी क्या कर सकते हैं, इतना दिन से छुट्टी था, फिर कुछ दिन बाद आया तो थोड़ा जल्दी में लग गया और सिक्योरिटी पैच अपडेट करके दे दिया। और बाकी सारा कुछ भी अपडेट, इस अपडेट में कुछ भी नहीं है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, अगर MIUI चाहते हो अपने फ़ोन में, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, एक एप्लीकेशन होगा, इंस्टॉल करो कीजिएगा, तब का MIUI है जो दोस्तों वो ओपन हो जाएगा और कुछ इस तरह का आएगा। आप खुद से ट्राई कीजिए MIUI क्या है, कैसा है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, कैमरा में कुछ भी पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन तो नहीं दिया जाता, लेकिन दोस्तों ऑटो HDR का ऑप्शन आया है। अभी रेडमी नोट 5 में नहीं आया, लेकिन रेडमी नोट 5 प्रो में ऑटो HDR का ऑप्शन आया है। और बैक कैमरा पोर्ट्रेट भी अभी भी नहीं आया है, देख सकते हो ओनली फ्रंट में ही काम कर रहा है। और इस अपडेट में बस यही सिक्योरिटी पैच अपडेट किया गया था। और कैलेंडर में देख सकते हो कुछ MIUI थीम कंटेंट कुछ चल रहा है, जिसमें आपको कुछ प्राइस मिलेगा, आप इसको चेक कर सकते हो। वैसे मुझे तो नहीं लगता कुछ इसमें प्राइस मिलने वाला है, ओनली थीम डेवलपर कहीं जो थीम बनाता है उन्हीं के लिए है, नॉर्मल यूजर्स के लिए नहीं है। तो इस अपडेट में बस इतना ही था दोस्तों। देख सकते हो कुछ भी इसमें नया नहीं आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हो सकता है जो अपडेट आया उसमें हो सकता है कुछ मिल जाए। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि कोई अपडेट में कुछ नया मिलने वाला है, क्योंकि इतना दिन से तो हॉलीडे था। और मैं आपको बता दूँ, मीओ 10 का स्टेबल अपडेट कुछ दिन में रोल आउट होने वाला है, मिड अक्टूबर आ चुका है, और बस कुछ दिन में, एक दो दिन में रोल आउट होगा। रोल आउट होते ही आपको वीडियो मिल जाएगा, तो इसलिए आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अगर वीडियो को पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।